वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है डीएनए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। सभी एग्जाम में, चाहे वो 9th to 12th हो या फिर कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, उसमें डीएनए से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए समझते हैं डीएनए। आप ही के कहने पर मुझे कमेंट आया था कि दीदी डीएनए समझाइए, तो चलिए समझते हैं डीएनए। डीएनए की जो खोज है, पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये फुल फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। और डीएनए की खोज, अगर खोज की बात करें तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने की थी। यह केंद्रक में पाया जाता है। अब केंद्रक की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बेसिक सा बता देती हूँ। जो केंद्रक होता है वो कोशिका यानी कि सेल्स में पाया जाता है, जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। कोशिका को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर हमारे इस तरह से जालीनुमा संरचना गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर ही छोटे महीन डीएनए उपस्थित होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। इसका निर्माण डीऑक्सीराइबोसक्रा से होता है। डीएनए का जो निर्माण होता है डीऑक्सीराइबोसक्रा से होता है, जैसे हमने फुल फॉर्म में समझा। तथा फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस भी चार प्रकार के होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। इस तरह से होता है। इसमें यूरेसिल का अभाव होता है, यानी कि जो एक यूरेसिल बचा, जो एक नाइट्रोजन बेस बचा, वो यूरेसिल इसमें उपस्थित नहीं होता। केवल चार ही पाए जाते हैं, वो आपको लर्न करने होंगे। डीएनए की आणविक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन जो डीएनए की खोज है वो दूसरे फ्रेडरिक मिशर ने किया है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसने दिया है? वॉटसन तथा क्रिक ने दिया है। बस आप इतना याद कर लीजिएगा, ये अलग अलग दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। डीएनए की संरचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया, उन्हीं के नाम पर वॉटसन और क्रिक मॉडल कहते हैं, यानी कि इन दोनों के नाम पर इस मॉडल को वॉटसन तथा क्रिक मॉडल भी कहते हैं। इसके लिए वॉटसन तथा क्रिक को एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट की बात की है अपने मॉलिक्यूलर मॉडल में, स्ट्रक्चर में डीएनए की कुछ बात की है, देखते हैं। वो डीएनए द्विजाकार संरचना होती है, यानी कि रचना होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देखिए, यहाँ पर हम ये बहुत ज्यादा डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में, और देखते हैं हम, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसी के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट से बात करेंगे, समझेंगे। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं अक्ष में रेखाकार एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित अर्थात रस्सी की तरह ऐठी हुई रहती है। इस तरह से देख ही रहे हैं आप, स्ट्रक्चर में कुंडलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट, एक दूसरे के सामने पाई जाती है। दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण जो होता है फॉस्फेट तथा शक्रा के अनेक अणुओं से मिलकर होता है। जो हमारी फॉस्फेट होते हैं और जो हमारी डीऑक्सीराइबोस शक्रा होती है, वो अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक डीएनए स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का निर्माण करते हैं। से मिलता है नाइट्रोजन बेस शक्रा के अणुओं के पार्श्व में लगे रहते हैं। अब ये जो हमने पढ़े थे नाइट्रोजन बेस, कौन कौन से? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इस तरह से लगे रहते हैं एक दूसरे के विपरीत पार्श्व में, आमने सामने लगे रहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बेस लंबी अक्ष रेखा के सीधे कोणीय तल में लगे रहते हैं। यहाँ पर इसी की बात हो रही है। और सीढ़ी के डंडे के आकार की एक रचना बन जाती है। इस तरह से देखिए, आप देख ही रहे हैं, सीढ़ी के आकार की इस तरह से रचना बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन सार एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। विशिष्ट क्रम में, यानी कि क्रम होता है इनका, इस तरह से ही आपने सामने जुड़े रहते हैं। जो एडनिन होता है वो ग्वानिन से, और साइटोसिन जो होता है वो थाइमिन से आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरह से देखिए, विशिष्ट क्रम में जुड़े रहते हैं। एडनिन थाइमिन के मध्य दो हाइड्रोजन बंध होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारे नाइट्रोजन सारक होते हैं डीएनए में, वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एडनिन थाइमिन
था, जबकि साइटोसिन जो होता है वो ग्वाइनिन के तीन हाइड्रोजन बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। डीएनए के दोहरे हेलिकल का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रोंग होता है। यहाँ पर देखिए ये व्यास क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रोंग की होती है आपस में। और नाइट्रोजन सारक के मध्य की दूरी इस तरह से ये 34 एंगस्ट्रोंग की होती है। डीएनए अणु एडनिन की कुल मात्रा थायमिन के बराबर होती है तथा ग्वाइनिन की साइटोसिन के बराबर होती है। आपस में इतनी ही मात्रा एडनिन की पाई जाती है, इतनी ही मात्रा थायमिन की पाई जाती है। उसके विपरीत जो साइटोसिन की मात्रा होगी वही इतनी ही ग्वाइनिन की पाई जाएगी। आगे ये इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।